दरअसल अब फूड साइंस के बारे में सबको पता है भाई, एक जैसा आहार खाया हुआ आपको पूरा पोषण नहीं देता है। उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होना चाहिए। तो एक्सरसाइज भी ऐसी हो जिसमें हाथ पैर, पेट, पीठ, दिल, दिमाग, शरीर के बाह्य और आंतरिक जो भी ढांचा है वो पूरा उसमें इन्वॉल्व हो, और इसके साथ प्राण का नियंत्रण हो, मन का नियंत्रण हो। कल ही दो बच्चे मेरे पास आए, बोले स्वामी जी हम 5-5 7-7 किलोमीटर दौड़ते हैं दोनों भाई, एक का नाम नरेंद्र है, दूसरे का कुछ, लेकिन बोला हमको जेनेटिकली बीपी हो गया। 5-5 7-7 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हैं लेकिन बीपी ठीक नहीं होके दे रहा, पसीना बाहर है। तो पसीना भी अनाड़ी पानी से नहीं बहाना। क्या बोला? पसीना भी खाली अनाड़ी पानी से नहीं बहाना, खाली दौड़ धूप करके नहीं बहाना, खाली धूप में बैठ करके नहीं बहाना, सोना बाथ लेकर के, स्टीम बाथ लेकर के भी पसीना बहाते हैं। ठीक है, रोगियों के लिए आवश्यक है वो, लेकिन धूप में भी आपको पसीने निकलवाते हैं, वो भी सूर्य चिकित्सा का एक हिस्सा है, याद रखना। योग युक्त जो श्रम होता है ना, योग युक्त जो कर्मयोग श्रम होता है, विश्राम मूलक जो श्रम होता है, योग पूर्वक कर्मयोग होता है, प्रार्थना पूर्वक जो पुरुषार्थ होता है, प्राणायाम पूर्वक जो पुरुषार्थ होता है, निवृत्ति मूलक जो प्रवृत्ति होती है, निःश्रेयस मूलक जो अभ्युदय होता है, वह आपके दृष्टादृष्ट, आपका व्यक्तित्व केवल फिजिकल नहीं है, इस विजिबल फिजिकल एग्जिस्टेंस के पीछे एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस भी आपकी, उसको केवल और केवल आप योग से ही अच्छा कर सकते हो।